जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। देख सकते हैं गाड़ी है हुंडा सिटी, इसके अंदर ना पानी भर गया है पूरा अंदर डिक्की में। ये देखिए ये सारा का सारा पानी भरा हुआ है। अभी तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि दो दिन से मेरे पास गाड़ी खड़ी है, घर में टाइम नहीं था इसलिए मैंने गाड़ी यहाँ पे रुकवा लिया है। कस्टमर का कहना है डिक्की में बहुत ज्यादा पानी भर गया था, अगले सीट के नीचे भर गया था, पीछे सीट पे पूरा पानी भर चुका था बहुत ज्यादा। तो मैं कंपनी लेकर के गया हूँ, कंपनी में क्या कि आगे से उन्होंने पूरा बैतूम करके निकाल दिया है और उनका कहना है कि पूरा कंबल निकालना पड़ेगा, आगे डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, सारी चीजें खोल खोल के चेक करना होगा, पानी कहाँ से आ रहा हो हम चेक करेंगे, और उसके बाद दरवाजे का जो गत्ता होता है उसको खोलेंगे, अपना स्पीकर लगाएंगे उसके अंदर जो जेन्युइन तरीके से होता है, कई बार दरवाजे के अंदर से आ जाता है, ऐसा करके करके जो कस्टमर को बताया गया है कि मतलब आपकी गाड़ी में 40-45 हज़ार रुपये लग जाएगा, जो कस्टमर का कहना है। ये सारी चीजें फिर उन्होंने फोन पे बात किया, मैंने मंगाया गाड़ी, मैंने ले आओ देखते हैं क्या है। तो देखा तो सही मायने में पानी तो ठीक ठाक भरा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है, इसमें कपड़े भी रखा हुआ है, तो वैसे रखा हो गया गीला हो गया, लेकिन इतना पानी भरा था कि इसमें धो सकते हैं। तो ये चीज को देखते हुए जब हमने आगे का सिस्टम देखा पूरा, तो निकला कुछ इस तरीके से। आप देखिए ये पूरा का पूरा मैट निकाल चुके, ये पानी भरा हुआ था, तो पानी भरने के बाद इसने ना वैक्यूम किया, लेकिन पूरा गीला हो रखा है। अब ये सफाई तो लगभग मोस्टली आदमी कर ही देगा, निकाल करके या ड्राई क्लीन करके या वैक्यूम करके, लेकिन इसमें मेन चीज देखना है कि पानी गया कहाँ से, बारिश के अंदर इतना पानी कहाँ से गया कि आगे सीट भर गया, पीछे सीट भर गया, डिक्की तक भर चुका है। तो ऐसा केस मेरे पास पहली बार भी आ चुका है, मैंने ऐसी गाड़ियों का काम किया हो, कहाँ कहाँ से पानी जाता है वो मैं आपको बिल्कुल बारीकी और डिटेल में दिखाता हूँ कि ये पानी गया कहाँ से, आगे किसी गाड़ी में ना जाए, इसलिए मैं बहुत ही जनमन तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से दिखाता हूँ कि अगर ये चीजें ठीक रहेगी तो आपकी गाड़ी में पानी नहीं जाएगा। आगे काम स्टार्ट करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। कई बार क्या होता है ना, एसी का पानी होता है जो ड्रेन का होता है बाहर गिरने वाला, वो बाहर से बाहर गिरता, वो बंद हो जाता, चौक हो जाता तो अंदर आता, लेकिन वो क्या होता है थोड़ा सा आता और यहाँ पे आएगा, वो कभी कभी आता है जब हम गाड़ी चलाते हैं तब आता है, लेकिन ये जो पानी आया है ये बारिश होने की वजह से आया। ऐसा केस पहले भी मेरे पास आया है, मैंने उसको सुलझाया हुआ है। मेन कहाँ से ये पानी भर रहा है इसके अंदर वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग और कई कई चीजें होती हैं जो वो भी करते रहना चाहिए, हम लोग अक्सर करते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा कि ये सब चीजें भी होता रहना। ऐसा नहीं कि मतलब जब गाड़ी खराब हो गई, पानी भर गई तभी आप आओ, पानी भरने ना पाए तब भी ऐसी चीजों को एक बार दिखाना चाहिए। जब सर्विस में आती है गाड़ियां तो हम लोग कवर करते हैं, लोग हमारे, मैं कई बार बोलता हूँ कि जब बारिश का मौसम होगा आप गाड़ी लेके आओ, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से पानी आ रहा है और किस तरीके से नहीं आ रहा है। और हकीकत है अभी देखना, मैं काम कर रहा हूँ, साफ करूंगा, अभी बहुत तेज बारिश होगी और इसमें पानी भी नहीं आएगा। कई लोगों, और जब भी मैं गाड़ी खोलता हूँ पक्का गारंटी है बारिश आती आती है, ये कई लोग आकर के पूछने भी लग गए कि ऐसा क्यों होता है जब आप गाड़ी खोलते हो तो बारिश पाती है, तो मैंने उनको बताया कि भाई बारिश का मौसम है, एक दो दिन तो सूखने में लग जाता है, मैं तब तक खोल के रखता हूँ और जब बारिश आती है तब उस टाइम पूरा का पूरा चेक कर लेता हूँ, काम करने के बाद उसका बिल्कुल ओके रिपोर्ट आता है, मतलब तसल्ली हो गया पानी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम काम को अंजाम देते हैं, तो मैं सारी चीजें निकालता हूँ और कहाँ से मेन पानी आ रहा है वो भी आपको बताता हूँ। कितना पानी भरा हुआ है, कहते दिल्ली में पानी नहीं है और टिक्की में इतना पानी भरा हुआ है, कपड़े भी रखा हुआ साथ में धोने के लिए। तो गाड़ी के सारा जितना भी भीगा हुआ सामान था मैंने सारा निकाल दिया अंदर से, कारपेट वगैरह सारा। अब थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ उसको मैं निकाल रहा हूँ और इसी को देखते हैं, बारिश भी स्टार्ट हो गई, बोला था बारिश स्टार्ट हो गई और मैं बता रहा हूँ अभी झमाझम बारिश स्टार्ट होने वाली है, और फिर इसको बाद सारा क्लीन करने के बाद गाड़ी के अंदर बैठना है, ऊपर से बारिश होगा, एसी चला करके चेक करूंगा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा, जहां से आएगा वो तो बंद ही करूंगा और पानी आज के बाद इसमें बिल्कुल आएगा भी नहीं। ये पहले भी ऐसी कई गाड़ियों में हुआ है, हमने बहुत सारा काम किया हुआ दिखाया नहीं, एक्सयूवी में देखा तो पूरा अंदर छत के अंदर से पानी भर रहा है, पूरा अंदर भर जाता है, तो ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से हो रहा है मैं एक एक चीज दिखाता हूँ। पहले तो अंदर की सारी चीजें क्लीन कराता हूँ, साफ कराता हूँ,
और फिर बारिश के अंदर दिखाता हूँ कि पानी बिल्कुल आना बंद हो गया, वो भी दिखाता हूँ। तो इस गाड़ी में जो पानी भरने का सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन मिला, पूरा आगे पीछे तक बिल्कुल तालाब बना पड़ा था बारिश के अंदर। इसके अंदर ना ये जिसमें स्वरूप होता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके अंदर स्वरूप के चारों तरफ लाइनें होती हैं। फ्रंट लाइन से आगे जाता है पानी, पीछे निकलता है, दूसरी लाइन से जो पानी यहाँ इकट्ठा होता है पीछे, मतलब चारों तरफ लाइन बना हुआ है और उस लाइन से पानी निकल करके बाहर चला जाता है। लेकिन होता क्या है, गाड़ी जब पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, सर्विस में जाती है, ये सारी चीज़ चेक नहीं होती है, तो बंद होने की वजह से अंदर पानी भरने लग जाता है। जैसे मैं अभी क्लीन कर रहा हूँ, आप देखेंगे मैं यहाँ से पानी डालूंगा सनरूफ में, मतलब बारिश का पानी जो ऊपर इसके गिरता है और कहाँ निकलता है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये तो मैंने अपने लॉकडाउन का जुगाड़ बनाया हुआ था, जब खाली बैठे थे हम बहुत सारा अपना जुगाड़ बना रहे थे, जैसे इंजेक्टर क्लीनिंग करने का और ये सारी चीज़ें बनाया हुआ था। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है आज की डेट में इन गाड़ियों में, या फिर XUV 500 वगैरह में ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे लगाना वहाँ से, अब इसमें पतला सा सुराख है, मैंने अपना डायरेक्ट एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो सिस्टम जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो आप देखेंगे डायरेक्ट जब लाइन क्लीन होगा, अभी भरा हुआ था तो मैंने क्लीन किया है। अब ये पानी मैं यहाँ डालूंगा इस तरीके से, कुछ यहाँ अंदर लगा हुआ, देखे अब देखना उधर पानी निकल रहा है क्या, यहाँ से मैं डाल रहा हूँ वहाँ निकल रहा है। हाँ निकल रहा है, ये पानी जो सामने निकल रहा है ना, इस तरीके से पानी हमेशा निकलना चाहिए। और जब इसके अंदर डस्ट हो जाता है, अंदर बिल्कुल लाइन दिखेगा, ये पानी मैंने हटाया, यहाँ पे लाइन है बिल्कुल क्लियर, जैसे मैं इसके ऊपर रखूंगा डायरेक्ट पानी निकलता जा रहा है, देखिए। ऐसे सेम चीज दूसरी तरफ है, इधर का तो मैंने क्लीन कर दिया, पहले क्लीन किया फिर मैंने आपको दिखाया है, दूसरा मैं इस तरफ के भी वही दिखा रहा हूँ, आप उधर दूसरी तरफ से देखिए। और डायरेक्ट मैंने इसी के हिसाब से बनाया ताकि जब कचरा हो ना तो प्रेशर से निकल जाए, इसका प्रेशर मैं अपने हिसाब से बढ़ा लेता हूँ जितना बढ़ाना होता है। अब देखेंगे तो वहाँ पूरा पानी कम्प्लीट निकल रहा होगा, इस तरीके से होना चाहिए। कई बार जब छोटे छोटे कचरे फंस जाते हैं ना, तो ये पानी का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो प्रेशर मार नहीं पाता है, तो इसके लिए तो क्योंकि हमने इसका प्रेशर इस तरह से रखा हुआ है। अब इसको मैं और तेज बढ़ाना चाहूंगा तो डायरेक्ट और बढ़ा दूंगा, मतलब अपने हाथ में मोटर का हिसाब किताब लगाया हुआ है। तो बस ये हो गया दोनों साइड का क्लीन, तीसरा अगर हम देखेंगे तो आप डायरेक्ट मैं इधर लगा रहा हूँ अंदर डाल करके, अब आप देखिए उधर निकल रहा है कि आप बताएंगे मेरे को। पहले अंदर मैंने क्लीन कर दिया है, अब ये पानी निकलता पीछे की तरफ निकल रहा है, निकलो वो देखिए आ रहा है, ये हो गया दूसरा साइड, तीसरा साइड हो गया, अब मैं आपको चौथा दिखाता हूँ। ये लाइन मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है, यहाँ से एकदम बिल्कुल पहले साफ किया है, साफ करने के बाद ये पानी डाल रहा हूँ और अब देख रहा हूँ वहाँ से पीछे निकल रहा है, देख आ रहा है ठीक है। तो ये जो जुगाड़ है ना, ये बढ़िया हो गया, प्रॉपर हो गया लंबे टाइम के लिए, क्योंकि इसके लिए हमने खाली टाइम में जो कोरोना में सोचा था वो आ गया काम, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। इसी की वजह से हमें जो पूरा का पूरा सिस्टम वो खोला हुआ देख रहे हैं, वो सारा का सारा सिस्टम निकालना पड़ा है। अब उसको निकाल करके सफाई करना, सुखाना करना, ड्राई क्लीन करना, मतलब बहुत सारे प्रोसेस से हमें आगे चलना पड़ेगा, पर यह है कि पक्का इलाज यहाँ से हुआ। दूसरा इलाज और दिखाता हूँ, फिर उसके बाद तीसरा ही बताता हूँ यहाँ से पानी आता है, ताकि एक ही गाड़ी में हर बीमारी का जड़ मैं बता दूँ, ताकि आगे चल करके किसी गाड़ी में कोई काम आए तो उस हिसाब से हम इसको काबू कर सकते हैं। आगे मूसलाधार बारिश है, पूरा ऐसे बारिश में पानी जाता है गाड़ियों में, इतना ज़्यादा धार निकल रहा है। तो देख सकते हैं गाड़ी तो पूरी कर दिया कंप्लीट हमने होंडा का, जो पानी भर रहा था बहुत ज़्यादा यहाँ भरा हुआ था, सारी चीज़ें कंप्लीट, एक एक चीज़ क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद पूरी गाड़ी को ड्राई क्लीन कर दिया और पूरी तरीके से सुखा करके, मतलब पूरी गाड़ी एकदम नई जैसे हो गई, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसके बाद मैंने बोला था कि जब मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो बारिश होती है बहुत तेज, सारा काम फिट हो गया। उसके बाद देखिए चेकिंग के लिए बारिश कितनी ज़बरदस्त हो रही है और खुली बिल्कुल आसमान के नीचे गाड़ी को खड़ी कर रखा हूँ पेड़ों के साइड से, ताकि इस पर बहुत तेज़ी से बारिश हो सके और पता चल सके कि ऐसा क्यों पानी भरा था, पानी कितने कीमती, बारिश होता था ऐसे वेस्ट होता है नहीं होता, देखो भर भर के लाना पड़ता है, 50 लीटर साइकिल पर भर के ला रहा है। बारिश हो रही है पूरी झमाझम और ऐसे बारिश में ही गाड़ी में होंडा सिटी में पानी भर रहा था पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से, जो सारा काम किया, काम करने के बाद टेस्टिंग के लिए कंप्लीट छोड़ दिया है गाड़ी को और चारों तरफ से बारिश हो रही है, देखते हैं क्या पानी जाता है कि नहीं, वैसे पानी तो नहीं जाएगा फिर भी टेस्टिंग के लिए बाहर रखा हुआ है इसको।
तो फाइनल टेस्टिंग कर रहा हूँ अब इसकी। ट्राई करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक ही कारण था कि पानी भर रहा था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहले डिक्की से स्टार्ट करें, पूरी गाड़ी में कहीं पानी तो है नहीं, क्योंकि तगड़ी बारिश हुई है। अब देखा फाइनल तो थोड़ा सा पानी और नज़र आया, ये देखिए, मतलब 90% तो काम हो गया। ये थोड़ा सा पानी और आया, इसको अब चेक करता हूँ कहाँ से है। देखिए आया हुआ ये ना, ये आ रहा है, इसको हम चेक करते हैं। ये लगा हुआ इसका कोई सिस्टम, देखिए यहाँ से पानी आ रहा है। देखिए अब इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, बाकी सारी बिल्कुल फिट है अंदर से। दोबारा जो पानी का मॉक्सर आया है, यहाँ से आया है, इसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे, हल्का बॉडी क्रैक था, यहाँ से ही पानी जाने का चांस है। इस तरीके से ना, जब इन चीज़ों में घुसते हैं तो डीपली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे देखो सूर्य दिखन, ये सफाई कर रहे हैं, सुखा करके उसके सामने सारी पेस्टिंग होगी, जैसे कंपनी का पेस्टिंग होता है। तो गाड़ियाँ चल करके आती हैं, पहली बार आती हैं तो पता नहीं चलता क्या क्या है बॉडी लाइन में, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए करना पड़ रहा है। मतलब थोड़ा सा पानी आया, उसको भी पीछे पड़ के उसको भी हम निकाल रहे हैं। काम लगभग फाइनल हो गया है। लास्ट में बारिश तेज होने की वजह से चेकिंग के लिए रखा हुआ था खुले आसमान में, जरा सा आपने देखा जो यहाँ पानी आया था, उसका भी प्रॉपर इलाज हम लोग कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। इधर आप देखिए तो पूरा कंप्लीट चीजें हमने खोला है, खोलने के बाद हर चीज बारीकी में चेक किया है। जो ऊपर का फ्लो लाइन आता है इसको कंप्लीट कर दिया, ओके हो गया है। यहाँ दिक्कत आ रही थी, एमसील लगाया गया है, यहाँ पूरी चीजें पेस्टिंग करिए गया है। और उसके बाद ये देखते हैं आप, मशीन से लेकर के सिलिकॉन से लेकर के और एमसील से लेकर के एमसील तक सारी चीजें लगाई है। कई बार लोग बोलते हैं ना, तुमने क्या किया, छोटा सा तो था, लेकिन वही ना छोटी सी बीमारी, अगर उसको सही टाइम पे इलाज नहीं किया तो कैंसर कब हो जाता पता नहीं चलता। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी जब अंदर कारपेट मैट में चला जाता है ना, तो गाड़ी में बैठने लायक नहीं जाता, इतना बदबू आता, हालत खराब हो जाता, मतलब लाखों की गाड़ी में कोई बैठ के राजी नहीं होता। तब जब उसी बीमारी को ठीक करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एक टेबलेट दे दिया और ठीक हो गया, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। मशीन लाओ, कल लाओ, एलपी लाओ, ऊपर से कितनी सारी लाइनें ठीक किया गया है आगे से, मतलब जब पूरी चेकअप होता है ना, तब उसका एक बड़ा राउंड बनता है, फिर वो छोटी बीमारी प्रॉपर तरीके से ठीक होती है।